या तो वो एसिड कैटलाइज होते हैं या बेस कैटलाइज होते हैं। मतलब क्या होता है कि या तो हम एसिड एज ए कैटलिस्ट के तौर पर यूज करें तो वो हमारा रिएक्शन कराएगा एसिड कैटलाइज, और अगर बेस को कैटलिस्ट के तौर पर यूज करें वो बेस कैटलाइज कराएगा। तो पहला क्वेश्चन माइंड में हमारे ये आता है कि एसिड कैटलिस्ट और बेस कैटलिस्ट क्यों यूज कर रहे हैं। तो देखिए, याद रखिये, विदाउट एसिड, ठीक है, विदाउट एनी कैटलिस्ट ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा, लेकिन इसकी जो यील्ड होगी पुअर होगी। तो कैटलिस्ट यूज करेंगे वो रिएक्शन को अच्छे तरीके से प्रोसीड कराएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा, यील्ड हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम आएगी। फिर एक और क्वेश्चन माइंड में हमारे आता है कि आखिर ये जो हम एसिड और बेस जो कैटलिस्ट यूज करेंगे वो रिएक्शन के अंदर ऐसा क्या ही करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास रेट मैक्सिमम होगा, रिएक्शन इजिली हो जाएगा। तो देखिए, हम जो कैटलिस्ट यूज करेंगे, पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करता हूँ। ये मैंने क्या लिखा है आप लोगों के सामने, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लिख दिया। ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, उसके साथ ये क्या है सब्सट्रेट मौजूद है, और ये हमारे पास एक रिएजेंट मौजूद है। देखिए, कार्बन जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऐड होगा, सॉरी कार्बोनाइल कार्बन के साथ ऐड होगा, और क्या होगा ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन जो होगी वो ऑक्सीजन के साथ आकर लग जाएगी। तो एक एडिशन रिएक्शन होगा। देखिए, कार्बन आयन कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल लग गया, और ऑक्सीजन के साथ क्या लग गया, हाइड्रोजन लग गया। अब जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो सबस्ट्रेट कहलाएगा, और ये जो HNU मैंने लिख दिया ये हमारा रिएजेंट कहलाएगा, या हमारा कोई भी न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन गई, एडिशन प्रोडक्ट बन गई। इसमें हमारे ये वाले जो कार्बन है इसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल देंगे। तो अब हम उसी क्वेश्चन का जवाब देख लेते हैं कि आखिर जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो पहला है एसिड, अगर हम एसिड कैटलिस्ट के तौर पर यूज करें तो हमारा रिएक्शन कहलाएगा एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो इसका काम क्या होता है, इट इंक्रीजेस, ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा किस चीज को, इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर, इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर को इंक्रीज करेगा। लेकिन किसके, कार्बोनाइल जो ग्रुप होगा उसकी कार्बन को। देखिए, ये देखो, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी ये वाली कार्बन है, इसको मैंने अभी किसकी चीज का नाम दिया है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का नाम दिया है। तो दरअसल एसिड जो कैटलिस्ट होगा वो इसको स्ट्रॉन्ग करेगा। मतलब अगर यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है हो सकता है उसको कंप्लीट पॉजिटिव में चेंज कर ले, कंप्लीट पॉजिटिव में ही चेंज करता है। तो याद रखना है, तो क्या करेगा, इसके इसको पार्शियल पॉजिटिव से स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव में चेंज करेंगे, इससे इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर बढ़ेगा। एक बात दूसरी, अगर हम बेस यूज करें अगर कैटलिस्ट के तौर पर, तो ऐसे रिएक्शन हमारे बन जाएंगे बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन बन जाएंगे। और उसका क्या काम होता है, कहते हैं वो क्या काम करेगा, इंक्रीज करेगा, किस चीज को इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर, न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर, लेकिन किसके, रिएजेंट के, रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर को बढ़ाएगा। देखिए, एसिड ने कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर वर्क करना है, कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर वर्क करना है, और बेस ने इस रिएजेंट के ऊपर वर्क करना है, और इस रिएजेंट को वीक न्यूक्लियोफाइल से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में चेंज करेंगे। तो अब हम इनके मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह हम बात को पूरी तौर पर हम यूटिलाइज करेंगे, ये किस तरह हम बातों को समझते हैं। आइए इनका मैकेनिज्म देखते हैं। मैंने दोनों मैकेनिज्म यहां पर लिख दिए हैं, मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, बेस कैटलाइज रिएक्शन। बेस कैटलाइज रिएक्शन में पहला काम क्या होता है, हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल को क्या करना होता है, स्ट्रॉन्ग करना होता है, न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना होता है। देखिए, ये हमारे पास क्या है, बेस है OH, ये हमें बेस मिली, तो बेस का क्या काम होता है, प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेना। तो बेस ने यहां से क्या करना है, प्रोटॉन को खींच लेना, और ये वाला बॉन्ड टूट के क्या होगा, इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, देखो ये NU न्यूक्लियोफाइल बन गया, और ये किसमें चेंज हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में चेंज हो गया।
ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं जैसे हम लोग क्या यूज करते हैं, OH नेगेटिव, इसका HCN के ऊपर रिएक्शन हो, ठीक है, तो इसे बॉन्ड हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल हम ये बनाते हैं जो हमारा साइनाइड बनता है, साइनाइड ग्रुप, ये हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो लिहाजा बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लिया, OH और H मिलकर क्या बना लेंगे, वॉटर बना लेंगे, ठीक हो गया। ये था हमारा स्टेप नंबर वन जिसमें हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज किया। अब देखो, अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ गया, हमें किसी एक को स्ट्रॉन्ग करना है, या कार्बन और कार्बन को स्ट्रॉन्ग करना है या न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने इस बेस कैटलिस्ट में क्या किया, न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब न्यूक्लियोफाइल जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ गया, इसने क्या करना है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करना है, ये कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और ये वाला एक पाई बॉन्ड टूट के क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन क्या होती है, चार बॉन्ड बनाती है, पांच नहीं। तो इससे हमारे पास अब क्या बन जाएगा, एक इंटरमीडिएट आ जाएगी, ओ नेगेटिव। अब ऑक्सीजन को क्या मिल गया, एक न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर मिल गया, क्यों नेगेटिव आया, क्योंकि हमने ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया। स्टेप नंबर थ्री, इसमें हमारे पास अडक्ट बनेगी, ठीक है। अच्छा एक बात स्टेप नंबर टू भी याद रखिएगा, अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया, एडिशन स्टार्ट किया, एडिशन स्टार्ट किया, लेकिन किस न्यूक्लियोफाइल से एडिशन स्टार्ट हुई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से स्टार्ट हुई। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं, हियर एडिशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखो ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, ये वाटर का आता है, देखो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास यहां से वाटर जनरेट हुआ था, वाटर जनरेट हुआ था। अब इस नेगेटिव ऑक्सीजन ने क्या करना है, यहां से पॉजिटिव हाइड्रोजन को अपने तरफ खींच लेना और ये वाला बॉन्ड टूट के आगे की जाना, शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, NuC, ठीक है, OH, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें हम किस किस तरह के रिएक्शन डिस्कस करेंगे, देखिए इसमें हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड डिस्कस करते हैं, इसमें हम एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड डिस्कस करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में चेंज करके देखेंगे। एक एग्जांपल मैंने यहां पर दी, OH नेगेटिव था, इसने हाइड्रोजन को अटैक करके साइनाइड बना दिया, अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसके अलावा हैलोफॉर्म रिएक्शन वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो चीज हमारे पास आखिर में बन गई, ये हमारे क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट कहलाएगी, एक बात, और साथ हमारे पास क्या जनरेट हो गया, OH नेगेटिव बेस क्या था, वो रीजनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज रिएक्शन, मीन ऐसे रिएक्शन जिनको प्रोसीड करवाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, किसी एसिड की जरूरत होती है। तो यहां पर आप लोग देखते रहिएगा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ये अपने लोन पेयर को यूज करते हुए हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगी, बॉन्ड बना लेगी, और इससे इसका लोन पेयर क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये कुछ इस तरह करके बन जाएगा, देखो ये हमारे पास कार्बन आयल कार्बन है और डबल बॉन्ड ओ के साथ क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव कैसे आया, फॉर्मल चार्ज के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग आसानी से क्या सोचना है, देखो ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, एक तो यूज हो गया, बाकी एक बच गया, आप लोगों ने इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, हर बॉन्ड के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है दो, ये नंबर थ्री वाला इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर था, टोटल पांच इलेक्ट्रॉन। अब जबकि हम जानते हैं ऑक्सीजन सिक्स ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके वैलेंस शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस वजह से हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। एक बात, दूसरी बात आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता हूं, यहां पे देखिए ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, सॉरी ये जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है, फ्लोरीन की 4 और इसकी 3.5 होती है, ठीक है। तो अब जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, उसे अनस्टेबल कर देगा, उसे क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। आप लोग ये बात तो जानते होंगे, कोई एटम ए है, ए पॉजिटिव, ए और ए न्यूट्रल, अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखा जाए ना, तो ए पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बार इस पर न्यूट्रल एटम के ज्यादा होती है, क्योंकि जब कोई कैटायन बनता है उसका साइज कम होता है, न्यूक्लियस ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो न्यूक्लियस की तरह से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर, तो ये इजीली, अब ये अनस्टेबल है, इजीली पाई बॉन्ड अपने ऊपर शिफ्ट करके अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल कर देगा।
ठीक है, अपने आपको स्टेबल कर लेगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, बाकी ओ और एच बच गया। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर सॉरी, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। और देखो इसके पास इसका लोन पेयर वापस आ गया। अब काउंट करें इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जरूर है, लेकिन ये इसकी किस्मत क्या है, थोड़ी कम अनस्टेबल है। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर टू देखेंगे। स्टेप नंबर टू में हमारी प्रोडक्ट बनेगी। देखो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक होगा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास अब वीक न्यूक्लियर पेयर है। अब वीक न्यूक्लियर पेयर यूज करेंगे, जैसे अमोनिया, अमोनिया के डेरिवेटिव आप लोग डिस्कस करेंगे, उसके रिएक्शन डिस्कस करेंगे, तो वहां पर वीक न्यूक्लियर पेयर होगा। अब ये वीक न्यूक्लियर पेयर जाके क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक अट्रैक्टर पे अटैक करेगा। अब एक बात पता नहीं रहेगी, देखिए यहां पर ये वाली बात गौर से देखिएगा, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और लेकिन यहां पर चेक करें मुकम्मल पॉजिटिव चार्ज है। देखो एक पार्शियल पॉजिटिव है, एक कंप्लीट पॉजिटिव है, एक जुजवी तौर पर हल्का सा थोड़ा सा, लेकिन यहां पर मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव को इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर हम बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर इस तरह इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर कम है, लेकिन यहाँ पर इस तरह इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा आसान है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है, इसका इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर बढ़ गया, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्या आ गया, कंप्लीट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, वीक न्यूक्लियर फाइल। तो हम कह सकते हैं हियर एडिशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वीक न्यूक्लियर फाइल, जो बात मैंने स्ट्रॉन्ग के लिए बोली थी बेस कैटालाइज में, अब वीक न्यूक्लियर फाइल के लिए बोल देंगे। वीक न्यूक्लियर फाइल ने क्या किया, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर क्या किया, अटैक किया। तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारी फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है। ये इसके साथ वीक न्यूक्लियर फाइल आके लग गया कार्बन के साथ, और बाकी साथ क्या है, OH, और ये हमारे क्या है, फाइनल प्रोडक्ट जिसे हम प्रोडक्ट भी बोलेंगे। अब एक बात आखिर देखने वाली रह गई है, अब देखो हमने चाहे बेस यूज किया, प्रोडक्ट क्या बनी, NuCOH, और चाहे हम लोगों ने एसिड यूज किया, तो प्रोडक्ट क्या बनी, न्यूक्लियोफाइल कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो चाहे एसिड यूज करे चाहे बेस यूज करे, हमारा जो रिएक्शन होगा सॉरी उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट होगी वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। एसिड और बेस का यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्पस है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा करेगा, यील्ड को मैक्सिमम करेगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।